बेंगलुरु में कांग्रेस एमएलए के भतीजे की सोशल मीडिया में पोस्ट पर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने जमकर की तोड़फोड़। उपद्रवियों ने तमाम गाड़ियों को बनाया निशाना, कार से लेकर ऑटो और बाइक स्कूटी तक को तोड़ा फोड़ा। बेंगलुरु में उपद्रवियों की लगाई आग में सुलगता दिखाए घर, कई गाड़ियों को भी किया आग के हवाले। बेंगलुरु के डीजेहली इलाके के पुलिस स्टेशन को भी उपद्रवियों ने बनाया निशाना। बेंगलुरु के डीजेहली इलाके में एचडीएफसी बैंक के एटीएम को भी उपद्रवियों ने बनाया निशाना, तोड़फोड़ की। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के बेंगलुरु आवास पर भीड़ ने रात में किया हमला, कई जगह पर आगजनी। उपद्रवियों ने तमाम गाड़ियों को बनाया निशाना, कार से लेकर ऑटो और बाइक स्कूटी तक वो तोड़ा फोड़ा। उपद्रवियों ने कई जगह पर की आगजनी, सुलग उठा बेंगलुरु। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने की फायरिंग, दो शख्स की मौत एक जख्मी। बेंगलुरु में धारा 144 लागू, जीरेहली और केजीहली इलाके में कर्फ्यू। उपद्रवियों के हमले में 60 पुलिसकर्मियों को लगी चोट, एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी जख्मी। गृहमंत्री ने शांति बहाली की अपील की। यूपी के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या के बाद एसपी सिटी का तबादला, प्रभारी निरीक्षक छपरौली को किया गया सस्पेंड। संजय को मॉर्निंग वॉक के दौरान मारी गई थी गोली। बागपत के बीजेपी विधायक योगेश धामा का आरोप, संजय खोखर ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी लेकिन नहीं मुहैया कराई गई थी सुरक्षा। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल, बस और टैंकर की हुई टक्कर। चीन की बड़ी साजिश का खुलासा, 300 करोड़ के हवाला रैकेट का चला पता, इनकम टैक्स विभाग ने 21 जगहों पर की छापेमारी। चीनी नागरिकों के हवाला कारोबार के खुलासे पर दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव में छापेमारी, 1000 करोड़ के हवाला कारोबार की जताई जा रही है आशंका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल की आतंकवादियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद। आतंकी मुठभेड़ में एक जवान घायल भी हुआ, अस्पताल में कराया गया था भर्ती। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी भी ढेर। आतंकवादियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ जारी, कामराजीपुरा में आतंकवादियों की घेराबंदी। खुफिया सूचना के मुताबिक 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका, पूरे इलाके को किया गया सील। रूसी कोरोना वैक्सीन की पहली तस्वीर सामने आई, इस वैक्सीन के रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बेटी पर पहले प्रयोग की है खबर। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में बढ़े 60,962 कोरोना केस। 24 घंटे में कोरोना से 834 लोगों की जान गई, अब तक कोरोना से कुल 46,091 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना से 56,110 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ, अब तक 16,39,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अब तक 23,29,000 से ज्यादा कोरोना केस। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर, सूत्रों के मुताबिक एडवांस स्टेज में बीमारी। संजय दत्त ने सेहत को लेकर डाला पोस्ट, लिखा काम से ले रहा हूं ब्रेक, जल्द करूंगा वापसी। 8 अगस्त को सांस लेने की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे संजय दत्त, जांच में बीमारी का चला पता। 10 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे संजय, इलाज के लिए जा सकते हैं अमेरिका। संजय की बीमारी को लेकर सख्ते में बॉलीवुड, जल्द ठीक होने की दुआ मांगी। सूत्रों के मुताबिक श्रुति मोदी ने बताया सुशांत के सारे फैसले रिया ले रही थी। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने ईडी से कहा फरवरी 2020 के बाद सुशांत से नहीं मिली, वित्तीय और प्रोजेक्ट्स के फैसले में रिया का था दखल। सुशांत केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, गुरुवार तक सभी पक्षों से मांगा लिखित जवाब। बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्राधिकार पर पूछे सवाल, पिछले मामलों पर मांगी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार की जांच को बताया असंवैधानिक, कहा सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस को नहीं दी लिखित शिकायत। ईडी ने जब्त किए थे रिया शौविक और उसके पिता के मोबाइल फोन, डिलीट डेटा जब्त करने की कोशिश। सुशांत की मौत के 7 दिन पहले आईपी एड्रेस बदले जाने पर भी सवाल, कारणों का पता नहीं।
सुशांत केस में जारी है ईडी की पूछताछ, बहन मीतू सिंह ने जांच एजेंसी के सामने दर्ज कराया बयान। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी ईडी के सामने पेश हुए, परिवार पर रिया के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से कल फिर ईडी ने की पूछताछ, जांच एजेंसी ने मांगे थे दस्तावेज। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन, कोरोना से पीड़ित होने के बाद इंदौर के अस्पताल में थे भर्ती। 70 साल के थे राहत इंदौरी, एक के बाद एक 3 दिल के दौरे पड़ने के बाद शाम 4:30 बजे ली अंतिम सांस। प्रणब मुखर्जी की हालत में नहीं है सुधार, ब्रेन सर्जरी के बाद दिल्ली के अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं पूर्व राष्ट्रपति, कोरोना संक्रमण की भी पुष्टि। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 9,000 से ज्यादा नए मरीज, 5,24,000 के पार पहुंचा मरीजों का कुल आंकड़ा। सामने आया रांची के अस्पताल का वीडियो, गिरने के बाद मदद की गुहार लगाता रहा मरीज, डॉक्टर्स ने नहीं की मदद। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से एक एक जिले में होगी 4G इंटरनेट की बहाली, 2 महीने बाद होगी समीक्षा। मसूरी से सामने आई भूस्खलन की दहलाने वाली तस्वीर, 3 दिन से जारी बारिश के चलते दर के पहाड़, टूटी सड़क। मसूरी में लगातार 3 दिन से हो रही है बारिश, 2 हफ्ते के लिए आसपास की सड़कें बंद। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही बारिश से हाहाकार, हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा।